खूंटी में रहने वाली बहु बेटियों को अब पानी लाने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हेमंत सरकार ने वर्ष 2024 तक खूंटी के 118,881 घरों में नल लगा देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मकसद यह भी है कि नल से साफ और बढ़िया पीने लायक पानी लोगों को मिले। यह कहना है राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का। खूंटी दौरे के दौरान मंगलवार को मंत्री मिथिलेश ठाकुर स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना के तहत घरों तक नल से शुद्ध पानी पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2019 तक राज्य में महज 4% घरों में ही नल से पानी पहुंचने का इंतजाम था, लेकिन हेमंत सरकार इस योजना में तेजी लाई है। वर्तमान में जिले के 22,334 घरों तक नल से पानी पहुंचाया जा रहा है, जबकि 96,547 घरों तक नल से जल पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है। मौके पर उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता से शहर की महत्वपूर्ण शहरी जलापूर्ति योजना के तहत अब तक हुए कार्य की जानकारी ली। वही काम में तेजी लाने का आदेश दिया। इससे पहले मंत्री के खूंटी पहुंचने पर जिला 20 सूत्री के उपाध्यक्ष और झामुमो के जिलाध्यक्ष जुबैर अहमद के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार स्वागत किया। खूंटी पहुंचने के बाद कचहरी परिसर स्थित बिरसा पार्क में स्थापित भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा में माल्यार्पण किया। इसके बाद मंत्री परिसदन में विभागीय अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मंत्री ने सभी योजनाओं को तय समय पर पूरा करने का हुक्म दिया। विभागीय अधिकारियों की बैठक के बाद जिला के झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मंत्री क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हुए। मंत्री ने अनुबंध कर्मियों की मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया। इधर मंत्री मिथिलेश ठाकुर को स्वच्छ भारत मिशन में कार्यरत प्रखंड स्तरीय अनुबंध कर्मियों ने एक ज्ञापन सौंप कर स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में नई नियुक्ति का विरोध करते हुए समायोजन करने की मांग की। अनुबंध कर्मियों की इस मांग पर मंत्री ने तत्काल संबंधित पदाधिकारियों को 3 महीने की अवधि का विस्तार का निर्देश दिया और समायोजन की मांग पर अनुबंध कर्मियों को विचार करने का भरोसा दिलाया। जो हमारी योजनाएं चल रही है, बड़ी योजना है, छोटी योजना है, और तेजी योजना में लाने का कि ताकि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके योजना का लाभ आम जनता को मिल सके, और लक्ष्य भी हमारा 2024 तक सभी घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का है। इसी के निमित्त हमने विभाग के अधिकारियों को, अभियंताओं को निर्देशित किया है कि बहुत तेज़ी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का काम करें और हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और साथ ही साथ संगठन की भी के लोगों के साथ भी मुलाकात की, जिले की समस्याओं को जानने का प्रयास किया, सुना, और सभी क्षेत्र में यहाँ काम हो रहे हैं, सभी विभागों में अच्छे काम हो रहे हैं और खूंटी जिला तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। कोहराम लाइव के लिए खूंटी से गौरव कश्यप की रिपोर्ट।